स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। कुटी से गिरफ्तार नक्सली जीत राय मुंडा और जोगन कुटी से मिली जानकारी के बाद चार जिलों की पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियान, मिली बड़ी कामयाबी। सरायकेला खरसावा जिले में हथियार और गोला बारूद, तो वहीं पश्चिमी सिंहभूम में पाइप बम बरामद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में वंचित रह गए 15 लाख लाभुकों को राज्य सरकार देगी खाद्यान्न। हर महीने एक रुपए की दर से मिलेगा 5 किलो खाद्यान्न, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को दी मंजूरी। मंगलवार को मिले 36 कोरोना पॉजिटिव मामले, पश्चिमी सिंहभूम में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हुई 1187। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस सीआरपीएफ के 60 बटालियन और जैगवार द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान टोलको थाना क्षेत्र के चितपिल हिस्साडी से जोमरो जाने वाली सड़क के किनारे होयो हाथू पुलिया के पास 4.5 फीट लंबा पाइप बम बरामद किया गया। 5 लाख के इनामी भाकपा माओवादी संगठन के जीत राय मुंडा के बयान पर चाईबासा पुलिस सीआरपीएफ के 60 बटालियन और जैगवार ने अभियान चलाया। खूंटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार जीत राय मुंडा ने स्वीकारोक्ति बयान में बताया था कि चितपिल हिस्साडी से जोमरो जाने वाली सड़क पर होयो हाथू सड़क के पास पाइप बम लगाया है। इस सूचना पर होयो हाथू पुलिस के पास सर्च अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 4.5 फीट लंबा पाइप बम और 500 फीट तक बम से जुड़ा तार बरामद किया गया। बरामद बम को जैगवार की BDDS टीम ने नष्ट कर दिया। इस संबंध में टोलको थाना में CLA एक्ट विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। चक्रधरपुर शहर के मुख्य मार्ग में केडिया पेट्रोल पंप के पास बने घर में जमीन समतल कर रहे मजदूर के कुदाल से जमीन में दबे बम के संपर्क होने से विस्फोट कर गया, जिससे मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। चक्रधरपुर के केडिया पेट्रोल पंप के पास रम्मी के घर में 25 वर्षीय राजू जमीन समतल कर रहा था। जमीन समतल करने के दौरान राजू के कुदाल से मिट्टी में दबे बम से संपर्क हो गया, जिससे बम विस्फोट हो गया। बम विस्फोट होने से कुदाल 2 टुकड़ों में बट गया और राजू गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल राजू को सदर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चाईबासा के महुसाई की रंजीता बोद्रा मिस इंडिजिनस मॉडल 2020 चुनी गई है। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा द्वारा रंजीता को टॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस साल भी मिस इंडिजिनस मॉडल 2020 ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। कोरोना संकट के कारण प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन किया गया, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम और अन्य राज्यों के विभिन्न जनजातीय समुदाय की 35 आदिवासी युवतियों ने हिस्सा लिया। अंतिम चरण में पब्लिक वोटिंग के जरिए 6 प्रतिभागियों का चयन फाइनल के लिए किया गया। फाइनल राउंड में सबसे अधिक वोट के साथ माहुलसाई चाईबासा की रंजीता बोद्रा को विजेता चुना गया। रंजीता बोद्रा को कांग्रेस भवन में सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने सम्मानित किया। इस दौरान इंडिजिनस मॉडल फेसबुक ग्रुप के एडमिन मनोज सुंडी और उनकी टीम भी मौजूद रही। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको PPE किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन, सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो
घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। खूंटी से गिरफ्तार 5 लाख के इनामी नक्सली कमांडर जीत राय मुंडा और जोगन पूर्ति की निशानदेही पर पुलिस और सीआरपीएफ ने भारी मात्रा में सरायकेला और तमाड़ क्षेत्र से विस्फोटक और हथियार बरामद किया है। सरायकेला खरसवां जिला अंतर्गत कुचाई एवं तमाड़ के जंगली क्षेत्रों में चार जिले सरायकेला खरसवां रांची पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिला की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान नक्सलियों द्वारा छुपाए गए बड़ी मात्रा में हथियार केन बम सहित अन्य सामान की बरामदगी पुलिस ने किया। सरायकेला खरसवां जिला के एसपी मोहम्मद अर्शी द्वारा पत्रकारों को बताया गया कि कुचाई एवं तमाड़ थाना अंतर्गत राय सिंधरी पहाड़, जारगोड़ा पहाड़, चाईबासा जिला के झरझरा पहाड़ तथा अन्य जगहों पर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के अनिल दा, असीम दा, अमित मुंडा, अतुल महाराजा एवं प्रमाणिक दस्ते के द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने एवं हथियार लूटने के उद्देश्य से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, आईडी छिपाकर रखने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर चार जिला की पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जैगुआर के जवानों द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया गया। अभियान में तमाड़ के जारगुड़ा पहाड़ से आईडी एवं गोली तथा सरायकेला खरसवां जिला के बांडी पहाड़ के नीचे मेरोम जंगा कच्ची सड़क पर पुलिस को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से छिपाकर रखे गए सीरीज में 10 किलोग्राम वजन के 7 केन बम, रायसिंदरी पहाड़ से 4 किलोग्राम वजन के 65 केन बम, 4000 मीटर कोडेक्स वायर, 17 इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर्स, 4 राइफल, 1 पिस्तौल एवं 97 जिंदा गोली बरामद किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित 15 लाख सुपात्र लाभुकों को अनुदानित दर पर खदान उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। संचालित होने वाली योजना का नाम झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत सभी 15 लाख लाभुकों को हर महीने 5 किलो खदान 1 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर लाभुकों का चयन किया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत का गठन किया जाएगा। सीबीआई की तर्ज पर ही एनआईए की विशेष न्यायालय का गठन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विशेष न्यायालय के गठन का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। झारखंड वनांचल और जेपी आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित किए गए 111 आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 3000 प्रति माह मासिक पेंशन मिलेगा। इस सूची में हजारीबाग जिले के 8 और रामगढ़ जिले के 3 आंदोलनकारी शामिल हैं। इन्हें 1 अगस्त 2015 से पेंशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त 13वीं संपुष्ट सूची को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। सरना धर्म कोड आवंटन को लेकर आदिवासी हो समाज युवा महासभा और मानकी मुंडा संघ डुमुरिया मुसाबनी पूर्वी सिंहभूम की ओर से कुल्हान प्रमंडल के विभिन्न गांवों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का नेतृत्व युवा महासभा केंद्रीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सुंडी कर रहे हैं। 2021 जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म लिखाने के पक्ष में गांव को संगठित करने की अपील की जा रही है। युवा महासभा और मानकी मुंडा द्वारा बताया जा रहा है कि सरना धर्म कोड आवंटन के निमित्त अलग अलग राज्यों में विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठन की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
इसके साथ ही लोगों से हो भाषा वारंग शिति लिपि के जनक ओत गुरु कोल लाको बोधरा जयंती कार्यक्रम 19 सितंबर को मनाने की अपील की जा रही है। इस दौरान कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है। पूरे सरकार पाए तो डकरा हुआ कम लेकाते उजुतंती वर्ष 2021 रे अब जनगणना हुआती अमेना इन जनगणना रे अब निश्चित रूप से जाचमिन के आदिवासी समाज को मेना वो जगह जगह रे वो बसवा करना आले आदिवासी हो समाज महासभा पाए थे आदिवासी हो समाज युवा महासभा पाए थे मानकी मुंडा संघ पाए थे अब हाथ से रे नगा कोता है ताले अरदास बनतना। उरांव समाज की ओर से कर्मा पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शहर के 7 अखाड़ा में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जावा जागरण किया गया। सूर्योदय से पहले कुंवारी कन्याओं द्वारा नदी से बालू उठाकर पुजारी के घर लाया गया और उसमें जावा मिलाकर अगले 5 दिनों तक पूजा पाठ किया जाएगा। 5 दिनों के बाद भादो एकादशी कर्मा पूजा किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मंगलवार को 36 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह कोरोना से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 1187 पहुंच गई है। मंगलवार को संक्रमित पाए जाने वालों में चक्रधरपुर के 26, चाईबासा व बंदगांव के 3-3, बड़ा जामदा व गोयलकेरा के 1-1 और जगन्नाथपुर से 2 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। सोमवार को जिले में 93 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए थे और अब तक 9 व्यक्ति कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए चलते चलते एक नजर फिर से डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। कुटी से गिरफ्तार नक्सली जीत राय मुंडा और जोगन कुटी से मिली जानकारी के बाद 4 जिलों की पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियान। मिली बड़ी कामयाबी, सरायकेला खरसावा जिले में हथियार और गोला बारूद तो वहीं पश्चिमी सिंहभूम में पाइप बम बरामद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में वंचित रह गए 15 लाख लाभुकों को राज्य सरकार देगी खाद्यान्न। हर महीने 1 रुपए की दर से मिलेगा 5 किलो खाद्यान्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को दी मंजूरी। मंगलवार को मिले 36 कोरोना पॉजिटिव मामले। पश्चिमी सिंहभूम में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हुई 1187। आज यही समाप्त करते हैं, कल फिर आएंगे आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें लेकर। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।